बच्चों आज हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। सेल्फ स्टडी इज वेल स्टडी। ओके, नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज और उसके प्रकार के बारे में चर्चा करी थी और उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज हम हेरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। अब हेरो के सूत्र में खासियत यह है कि हेरो का सूत्र तभी लगता है जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप आपको अगर ज्ञात है तो ही आप हेरो का सूत्र यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं इस तरीके से, ए बी और सी। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यह त्रिभुज लिया है। अब आपको इसका जो स्ट्रक्चर है, बनावट आपको दिख रही होगी, दिस इज राइट ट्रायंगल। अगर इसकी ये भुजा अगर 4 cm, दिस इज 3 cm, तो ऑलरेडी इसका जो कर्ण है 5 cm। अब इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि इसकी एक भुजा ए बी 3 cm की है, बीसी 4 cm की और ए सी आपकी 5 cm की है। तीनों भुजाओं की माप आपको दी गई है और तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है, इसलिए एक विषमबाहु त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज तो है मगर ये एक विषमबाहु त्रिभुज भी है, इसलिए आप चाहे तो इसमें हेरो का सूत्र भी लगा सकते हैं और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से अगर इसे करना चाहेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, लंबी ऊंचाई इक्वल 1/2। अब बेस आधार इसका आप देख रहे हैं 4 cm और हाइट इसका परपेंडिकुलर 3, 2 से कैंसिल, 2 × 2 = 4, 2 × 3 इज इक्वल 2 × 3 = 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया, एरिया का यूनिट्स, एरिया का इकाई, एरिया का मात्रक वर्ग होता है, तो 6 वर्ग सेंटीमीटर आपका एरिया निकल चुका है। तो दिए गए त्रिभुज का अभीष्ट क्षेत्रफल 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो बाय द फॉर्मूला अगर इसी सवाल को हम हेरो के सूत्र से अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे? इसके लिए इसका पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। यहां पे आपको इसे a मानना पड़ेगा, a इज इक्वल टू 4 cm, दिस इज इक्वल b इक्वल, इसे आप b मान लेंगे, b बराबर 3 cm एंड दिस इज c इक्वल 5 cm। तो यहां से आप बड़ी सरलता से s निकाल पाएंगे। s अगर आपको निकालना है तो सीधा सा सिंपल सा तरीका है, एस इज इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा करना है। और ये आप देखेंगे 4 + 3 + 5/2, 4 × 3 = 7 एंड 5 is 12, देर फोर 12/2, 2 × 6 = 2×12, एस इज इक्वल 6, एक्स का वैल्यू आ गया 6। अब हेरो का सूत्र अगर आप लगाते हैं तो हेरो के सूत्र से, हेरो के सूत्र से एरिया इज इक्वल अंडर रेडिकल s माइनस a s माइनस b और s माइनस c,
ये आपका हेरो हेरोस फार्मूला पुटिंग वैल्यू ऑफ एस एंड एबीसी। अगर आप एबीसी और एस का वैल्यू पुट करते हैं तो आप देखेंगे 6 × 6 − 4 and 6 − 3 and 6 − 5 एरिया इज इक्वल 6 × 2 × 3 × 1 एरिया इक्वल 6 × 12 और 12 × 36 अंडर रेडिकल अंडर रूट 36 और 36 का वर्गमूल आपको मालूम ही है 6 देयरफॉर 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमने ये एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बाय हेरोस फार्मूला एंड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज के क्षेत्रफल दोनों से हमने ये निकाल के देखा। ये एक समकोण त्रिभुज था इसलिए इसमें हमने ये वाला फार्मूला भी लगा के देखा, इससे भी हमें ज्ञात हो गया, इससे भी हमें ज्ञात हो गया। तो हमें खासकर ध्यान ये रखना है कि जब विषमबाहु त्रिभुज हो तो हम हेरो का सूत्र बड़ी आसानी से लगा सकते हैं और इसके लिए हमें तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, इस निकलेगा फार्मूले में मान रखना है और बड़ी सरलता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो कक्षा 9th और 8th में ये बहुत महत्वपूर्ण सवालों में गिना जाता है। आप इसे ध्यान से देखें, समझें और कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कॉलिंग कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।